अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। पिछले एपिसोड में देखा कि बिना हेडलाइट्स की गाड़ी चलाते हुए राज की गाड़ी से टक्कर लगकर दिवाकर नाम के एक आदमी की मर्डर पर मौत हो जाती है। सीआईडी राज को गिरफ्तार कर लेती है। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि दिवाकर की मौत राज की गाड़ी से नहीं हुई है। एक्सीडेंट वाली जगह पर सीआईडी को पेड़ पर गाड़ी का निशान मिलता है, जिससे ये पता लगता है कि गाड़ी सफेद रंग की है और उस पर जमीन से 32 इंच ऊपर एक खरोंच का निशान है। टीवी पर अनाउंसमेंट सुनकर डिसूजा नाम का एक आदमी बताता है कि एक्सीडेंट वाली रात को उसने एक सफेद रंग की गाड़ी ओलम रोड पर देखी थी और चलाने वाला एक 20-22 साल का लड़का था। वो गाड़ी इतनी तेज चला रहा था कि डिसूजा और उसके पति मरते मरते बचे। उस लड़के ने बियर का कैन डिसूजा पर फेंका और गाड़ी में एक बड़ा ही अजीब रिवर्सिंग म्यूजिक है। अब आगे बाजार में से जितने भी म्यूजिकल रिवर्सिंग हॉर्न्स मिल सके हम सब लेके आए हैं। हम आपको बजाकर दिखाएंगे। आप देखिए उस गाड़ी में कौन सा हॉर्न लगा हुआ था। देखता हूं सब, ट्राई करता हूं। गुड, सुधाकर बजाओ। नहीं 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 साहब, ये नहीं है साहब। सुधाकर बंद कर, दूसरा लगाओ। नहीं नहीं बजाओ सुधाकर। श्योर? 100% श्योर। सर अब हमें पता चल चुका है कि उस कार में एक रिवर्सिंग हॉर्न लगा हुआ है और उसकी धुन कौन सी है। अब तो हमें पता लगाने में आसानी होगी सर कि वो कार कौन सी है। खबर ऐसा हॉर्न तो हर छोटी बड़ी दुकानों में मिलता है और फिर बेचने वाला कस्टमर्स के नाम पता थोड़ी लिखकर रखता है। एक बात और है दया, ये सड़क सीधे जेटी तक जाती है। इसके बाद में रोड नहीं, सिर्फ समुंदर है। इसका मतलब है वो लोग या तो इसी इलाके में रहते हैं या फिर यही की किसी जगह पर गए होंगे। मगर ऐसे सुनसान इलाके में वो लोग कहां गए होंगे, वो भी रात को 11:30 बजे। सर जेटी से लेकर यहाँ तक मैंने सब कुछ चेक कर लिया। वैसे दो जगह पर वो सफेद रंग की कार है और दोनों में वो रिवर्सिंग म्यूजिक नहीं है सर। अच्छा तो एक काम करो, दोनों गाड़ियों का नंबर ले लो, डॉक्टर सालुंखे को दे दो और उनसे कहो कि अपने आदमियों से वो गाड़ियाँ चेक करवाए। और बाकी के बंगले? सर यहाँ 7-8 बंगले ऐसे हैं जहाँ टीवी से रिलेटेड शूटिंग होती है और शनिवार को यहाँ सिर्फ 3 जगह पर शूटिंग चालू थी सर, पर वहाँ पर ना सफेद रंग की कार कोई आई ना गई। चलो ठीक है। ओके सर। बोलो सुधाकर। सर कुछ बंगलों वालों ने बताया कि उनके यहाँ पार्टी होती है मगर उस दिन कोई पार्टी नहीं थी। हाँ फ्रेडरिक। सर मैंने मछुआरों से पूछताछ की है। उन्होंने बताया सर कि पिछले शनिवार को बीच पर देर रात तक पार्टी चल रही थी। अच्छा जी सर, तो चलो। नमस्ते सर।
नमस्ते सर, ये वही लोग हैं जिनसे मैंने बातचीत की थी। अच्छा बताओ। हम पास के गांव में रहते साहब, शनिवार को यहाँ पार्टी हुआ था। कब शुरू हुई और कितने देर तक थी? यही कोई रात के 8-9 बजे तक सब इधर आ गए थे साहब, और बहुत लोग तो जेटी से आए थे। पार्टी रात भर चलता रहा साहब। कैसे लोग आए थे पार्टी में? सब छोकरा लोग थे साहब, यही कोई 20-22 साल के। खूब पार्टी चला साहब, नाच गाना हुआ, गाना बजाना हुआ, और ये सुबह तक चलता ही रहा साहब। जब वो लोग थक गए तो चले गए यहाँ से। कितने लोग आए थे पार्टी में? बहुत लोग थे साहब, यही कोई। और क्या क्या हुआ साहब? वैसे जैसे बड़े लोग ऑल नाइट बीच पार्टी। अच्छा सर एक मिनट। आ गया आ गया, क्या बात है? सर ये देखिए, यहां पर पड़ा हुआ टिकट है। डेजमंड्स ऑल नाइट बीच पार्टी, वेन्यू मड आइलैंड, टाइम 8:30 PM टू 12:30 PM, डेट। अरे ये तो इसी सैटरडे का है। 200। ये डेजमंड कौन हो सकता है? सर इसने बीच पार्टी रखने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन से परमिशन तो ली होगी, हम वहीं से पता कर सकते हैं। और सर ये देखिए, टिकट पर प्रिंटर का नाम भी है, स्वस्तिक प्रिंटर्स। स्वस्तिक प्रिंटर्स कार। इसी भी साहब, मैंने वो दोनों कारें अच्छी तरह से चेक करवा ली जो हमें मठ के बंगलों में मिली थी, उनमें तो एक्सीडेंट जैसा कुछ है ही नहीं। ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या किया मैंने? रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट अ रूटीन इंक्वायरी डेजमंड। तुम डेजमंड हो ना? अब या ये टिकट तुमने छपवाया है? अच्छा अच्छा, आप वो बीच पार्टी की बात कर रहे हैं साहब, लेकिन मैंने परमिशन लिया था साहब। देखो हमें किसी की तलाश है जो तुम्हारे बीच पार्टी में सैटरडे को आया था। उसके पास सफेद रंग की कार है, जिसके काले बंपर्स हैं, और जिसमें एक तरह का रिवर्सिंग म्यूजिक लगा हुआ है। ऐसा लो सुनो। अब साहब कौन कैसी गाड़ी चलाता है मैं कैसे बता सकता हूं साहब आपको? देखो हमारे लिए यह पता करना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी पार्टी में कौन कौन आता है, समझे? आप बात को समझने की कोशिश कीजिए साहब, मैं सिर्फ पार्टियां ऑर्गेनाइज करता हूँ, खाना अरेंज करता हूँ, म्यूजिक अरेंज करता हूँ, टिकटें छपवाता हूँ, बेचता हूँ, पर वहाँ कौन कौन आता है मैं आपको ये सब कैसे बता सकता हूँ? क्यों, तुम किस किस को टिकटें बेचते हो तुम्हें मालूम नहीं? नहीं साहब, जिसके पास 200 रुपए होते हैं वो टिकट खरीद लेते हैं। कहाँ कहाँ बेचते हो अपनी टिकटें? वो बांद्रा के ब्लू ऑयस्टर क्लब में साहब, वहाँ बहुत सारे लोग अपने टिकट का इंतजार करते हैं साहब। Oyster Club. सीआईडी ऑफिसर्स हैं, तुमसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। हाँ बोलिए साहब। ये क्लब कितने बजे खुलता है? क्लब तो दिन में भी खुला रहता है, लेकिन दिन में जरा लोग कम आते हैं, शाम को बहुत रश होता है, और 10 बजे के बाद तो साहब एकदम पैक। देखो हम एक सफेद रंग की कार ढूंढ रहे हैं जिसका बम्पर काले रंग का है, और जब वो कार रिवर्स होती है तो ये म्यूजिक बजता है। कुछ याद आया तुम्हें? ऐसी कार है किसी के पास जो यहाँ आता है या फिर यहाँ का मेंबर है? सर ऐसा तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सी गाड़ियाँ आती रहती हैं। आज तो सिर्फ 3 ही सफेद कारें हैं। सर आपसे मिलने दिवाकर की वाईफाई है, आइए।
साहब कुछ पता चला? इतने दिन हो गए। जी नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, पर हम जल्दी उस कार को ढूंढ लेंगे। मेरे आदमी दिन रात उसी काम में लगे हुए हैं। बंद होने का टाइम हो गया सर, और काफी कम कारें बची हैं अब तो। अब इस समय और कौन आएगा सर? चार दिन में सिर्फ 8 कारें ही हमारे मतलब की हैं। उनमें से भी पता नहीं हमारे काम का कोई निकलता भी है या नहीं। ये तो वही म्यूजिक है जो जॉन ने बताया था। हाँ सर, लेकिन रंग तो बिल्कुल अलग है, ये तो एकदम नहीं लग रही है। जो भी हो, नंबर नोट कर लेते हैं। MH02N8983। कार आपकी है? जी हाँ। गाड़ी आपकी? जी हाँ। अरे भाई, आप कुछ बताएंगे हमें हमारी कारों के साथ यहाँ क्यों बुलाया गया? आप 2 मिनट रुकिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सब कुछ पता चल जाएगा? क्यों भी, तूने कुछ किया? नहीं डैडी। कुछ किया? नहीं डैडी। ये आपकी गाड़ी? देखिए, घर पे तो आपने कुछ बताया नहीं, अब कम से कम अब तो बता दीजिए कि आखिर चक्कर क्या है। ऐसे ही आप किसी को बुला लेते कि गाड़ी लेके आ जाओ। देखिए, हम एक ऐसी कार की तलाश है जिसने साइकिल सवार को कुचल दिया है। क्या? और हमें ये देखना है कहीं वो कार इनमें से तो नहीं। मतलब हमने कुचल दिया उसे? तूने तो कुछ नहीं किया ना सर। अब तक तो उसने बम्पर और हेडलाइट दोनों भी बदलवा लिए होंगे। तो क्या हुआ, जमीन से 32 इंचों पर गाड़ी के नीचे खरोंच का निशान होगा, और फिर टायर के पेंट का निशान है ना, इससे मैच करेंगे किस गाड़ी का? और फिर मैं टायर में से मिट्टी निकाल कर देखूंगा उसमें साइकिल का पेंट या खून है क्या। ठीक है सर, इस कार पर कोई रिपेयर नहीं हुआ है सर, और इसके टायर भी बिल्कुल मैच नहीं करते। देखा, हमें आईसी बुला लिया ना खामखा के। और ये कार भी वही है, बिल्कुल मैच नहीं करता। पहले बता दिया होता ना सर, इस गाड़ी के टायर हमारे ड्राइंग से मैच करते। मैच करते? मैच करते? मैच करते? अरे तूने कुछ किया? नहीं डैडी। कुछ किया तूने? कुछ किया? लेकिन सर, इस पर कोई रिपेयर का निशान नहीं है। अरे रिपेयर का निशान नहीं? कमाल करते हैं आप लोग, मेरे बेटे को बेकार में पिटवा दिया। सॉरी बेटे, सॉरी। सर, इस कार के टायर्स तो मैच नहीं करते, पर सर इसमें रिपेयर जरूर हुआ है। रिपेयर हुआ? रिपेयर हुआ? ये देखिए सर, एक साल पहले एक स्कूटर ने थोड़ा मार दिया था, मैंने रिपेयर करवाया था। अगर आपको चाहिए तो मैं गैराज वगैरह का नंबर दे सकता हूँ आपको। तो बहुत नीचे है सर, जमीन से 12 इंच ऊपर है सर। 12 इंच तो बहुत नीचे है सर। गाड़ी का क्या है? इस गाड़ी के टायर ना तो मैच होते हैं, ना इसका कोई रिपेयर हुआ है। अच्छा, और ये गाड़ी? सर, यही वो गाड़ी है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि गाड़ी अभी तक आई क्यों नहीं। सर, इसका रंग अलग है, पर उसका रिवर्सिंग म्यूजिक वही है सर। वही है? हमें फोन आया था और गाड़ी साथ में लाने को कहा गया। कहिए क्या बात है? एक्सीडेंट की छानबीन चल रही है। एक्सीडेंट? जी हाँ। तो देखिए इंस्पेक्टर, ये कार से कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरे फादर है, मिस्टर विपिन चौधरी, एवलॉन टेक्सटाइल्स के मालिक। देखिए, आपके फादर क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ आपकी गाड़ी से मतलब है। इसका कोई निशान नहीं है, टायर्स भी मैच नहीं कर रहे हैं, और सर इसके बम्पर्स भी ठीक ठाक है। मैंने कहा ना, मेरी कार से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। क्या मैं गाड़ी के पेपर्स देख सकता हूँ? पेपर्स? या आपने जल्दी में बुलाया इसलिए भूल गया। अच्छा, कोई बात नहीं। गाड़ी कब की है? 1996। अच्छा, बहुत अच्छा। कहीं अपनी गाड़ी को पेंट तो नहीं करवाया पिछले हफ्ते? कहीं ये पहले सफेद तो नहीं थी? कहीं आपने इसके बम्पर्स और टायर्स चेंज तो नहीं करे? व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर, हमारी गाड़ी हमेशा से इसी रंग की थी, हमने इसे कभी पेंट नहीं करवाई। ऑफिसर, आप खामखा हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरी गाड़ी हमेशा टिप टॉप रहती है। बस यही तो मैं कह रहा हूं कि 3 साल पुरानी गाड़ी और इतनी टिप टॉप कैसे? एक भी स्क्रैच नहीं। चली है कितनी? 17,570। और एक भी निशान नहीं?
सरप्राइज है? हम इसे बहुत कम चलाते हैं, हमारे पास और भी कारें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, गाड़ी ऊपर चढ़ा कर देखते हैं। बिल्कुल दलवी, झाड़ी का टुकड़ा है जो एक्सीडेंट की जगह पर थी। जी हाँ। ये देखिए, ये उस साइकिल के स्पोक के निशान है। निशान यहाँ भी है। हाँ, ये देखिए एसपी साहब, ये साइकिल का पेंट है, ये लगा। ये देखिए, ये देखिए एसपी साहब, ये भी साइकिल के स्पोक के निशान है। और ये देखिए, ये साइकिल का पेंट यहाँ भी, ये साइकिल का पेंट है। देखा आपने, गाड़ी के नीचे साइकिल का काला पेंट लगा हुआ और स्पोक्स के निशान। सर, ये डॉक्टर सालंगे की रिपोर्ट। इनकी गाड़ी के नीचे से जो काले रंग के निशान मिले हैं वो दिवाकर की साइकिल के रंग से बिल्कुल मिलते हैं। सर, यही है वो मैकेनिक सर, जिसने मिस्टर चौधरी के कार पर काम किया था। जी हाँ साहब, मैंने किया था। मैंने चौधरी साहब की गाड़ी पेंट की थी साहब, और गाड़ी के हेडलाइट्स और बम्पर चेंज किया था और टायर भी। लेकिन ये सब चौधरी साहब के कहने पे किया साहब, मैं बेकसूर हूं साहब। ये जानते हुए भी कि इस कार का एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस को इसकी तलाश है, तुमने इस कार को पूरी तरह से बदल दिया और फिर भी कहते हो तुम बेकसूर हो। दया, ले जाओ इसे। साहब माफ कर। सर मैं मानता हूँ सर, मैं गाड़ी चला रहा था, अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा था। पता नहीं वो साइकिल वाला सामने कहाँ से आ गया सर, मेरी गाड़ी से टकरा कर जब वो गिरा, मैंने गाड़ी रोकी सर। सर उसके उसके पास गया मैं, लेकिन सर सर वो मर चुका था। मैं बहुत डर गया था सर, बहुत डर गया था, गाड़ी लेके वहां से भाग गया। सर मेरा विश्वास कीजिए, वो साइकिल वाला सामने कहां से आ गया मुझे बिल्कुल पता नहीं चला सर। हाँ, नशे में पता चलता भी कैसे। प्लीज एसीपी साहब, अगले हफ्ते मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है डॉक्टरी पढ़ने। ये बहुत अच्छा लड़का है सर, अगर आज आप इसे गिरफ्तार कर लेंगे इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर।
उस आदमी के घर वालों को मैं जितने कहें आप हर्जाना देने को तैयार हूं। हर्जाना तो आपको देना ही पड़ेगा मिस्टर चौधरी, पर सजा सिर्फ आपके बेटे को ही नहीं आपको भी होगी। आपने सबूत नष्ट करने में मदद की है, ले जाओ इन्हें। चौधरी साहब, अपने बेटे के भविष्य पर रोइए मत। पता नहीं ये कैसा डॉक्टर बनता है। डॉक्टर तो जान बचाते हैं, पर इसने एक जान ले भी ली। एक लाइब्रेरी के मालिक को अपने लाइब्रेरी की एक मैगजीन के कुछ पन्ने फटे हुए मिलते हैं। बाद में उसे पता चलता है कि किसी ने फटे हुए पन्नों से एक अपहरण का नोट बनाया है। क्या वाकई किसी का अपहरण किया गया है? अगर अपहरण हुआ है तो अपहरणकर्ता कौन हो सकता है? क्या उन चार लोगों में से कोई एक जिन्होंने लाइब्रेरी से मैगजीन ली थी, या फिर कोई और? जानने के लिए देखिए CID का अगला एपिसोड।